जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी के सभी या तो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या तो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या तो भावी ऐसी उम्मीदवारी देंगे या कुछ। हाँ, ये ऐसे आम जनता भी हमारे बीच हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जितने भी लोग हैं वो क्या चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति लेकर चलना चाहेंगे या विकास की राजनीति लेकर चलना चाहेंगे, और यदि विकास की राजनीति लेकर चलना चाहेंगे तो किस मुद्दे पर रुड़की को आगे बढ़ाएंगे, किस चीज़ में रुड़की को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ एक दो जवाब चाहिए होगा, उससे अधिक जवाब नहीं चाहिए होगा। शुरुआत करते हैं, आपसे शुरुआत कर सकते हैं। आग बहती है, नीरज जी ने कहा है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा और यमुना में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके रहा जाए। पूरे देश में आग लग रही है जाति मजहब की। तो ये तो गौरव जो है आपका सामाजिक मान्यता प्राप्त, ये तो आपका हिंदू है, विशुद्ध हिंदू संस्कृति है, धर्म नहीं, हर व्यक्ति रहने वाला हिंदू है चाहे किसी मजहब का हो। इसका प्यार हो तो वो है इमरान देशभक्त, तो ये तो नहीं करता राजनीति मजहब की, ना भाजपा मजहब की राजनीति करती। हम धर्म की रक्षा करता है, पहले मंदिर निर्माण की बात करता है, यहाँ भी धर्म के जितने स्थल हैं उनकी रक्षा करेगा, उसके बाद विकास की बात करेगा। और नेता वो है डेमोक्रेसी में जो सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, जनता जिसे पहचानती हो। मगर आज की तारीख में नेता वो है जो ये जानता हो, इतने गुज्जर हैं, इतने चमार हैं, इतने जाट हैं, इतने वो हैं, बस वो नेता। ऐसा नेता कोई नहीं होता, नेता ज्ञान पर आधारित होता है। नेता वो जो आर्ट साइड से लेकर साइंस साइड का, ब्रह्मांड का ज्ञान रखता हो, पहले पूजा पाठ करता हो। और ये गुण ऐसे कई लोगों में है, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, मगर जब भाजपा में ऐसे लोग हैं तो बतरा है प्रदीप बतरा, सीधे जनता से मिलता है, मेरी सिफारिश की जरूरत भी नहीं। गौरव है सीधे जनता से, 15 साल से कह रहा मगर बच्चा है, चुनाव मत लड़, चुनाव मत लड़, अभी बात खुद सीख। अरे मोदी जी को जब जनता कहने लगी मोदी मोदी मोदी, मेरा गुरु राजनाथ सिंह जी भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ से पीछे हट गया, बहन सुषमा स्वराज जी भी पीछे हट गई, अडवाणी जी पीछे हट गए। मगर जिस दिन तुझे गौरव गौरव कहने लगे, जनता कहने लगे गौरव गौरव गौरव, तुझे हाँ कह दूँ, आज जिसे जनता ने कह दिया गौरव गौरव गौरव, मगर जा ठीक है लड़ लिए, तेरे कर्म फल है, टिकट लिया दिलवा देंगे, हो जाएगा। मगर यही है सामाजिक मान्यता फर्स्ट ऑफ ऑल हम ही कहना चाहेगा। और एक ये स्थिति खत्म हो, दो शब्दों में इतना बड़ा किताब का बात करप्शन का बताता है हम आपको, कि वो आए हमारी कब्र पे दिया बुझा के चल दिए, और दिए में जो तेल था सर पर लगा कर चल दिए। अब तक नगर निगम में यही हुआ है, तेल तक नहीं छोड़ा दिए में, ये दिए में तेल डालेगा, जलाएगा, रोशन करेगा दीपक को। आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, सीधे कमल का मंदिर का सीधा पूजा करता है, कमल को विचार को, विचारधारा से जुड़ा हुआ है, विचारधारा से। आप माननीय श्री प्रदीप बत्रा जी को क्या मानते हैं, बीजेपी का या कांग्रेस का? नहीं, मैंने उनसे कह दिया, अरे भाई जिस दिन उसने दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगवा दी वो विचारधारा से जुड़ गया, देख लो आप दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति आप या नहीं, कल को छोड़ देगा दीनदयाल उपाध्याय जी फिर भी अपनी जगह पे रहेंगे। और आशीष सैनी जी को क्या मानते हैं आप? आशीष सैनी जी सर्वदलीय है, कहीं सच बोलता है कहीं झूठ, हाँ कहीं सच बोलता है कहीं झूठ बोलता है। आज ये हाँ चुनाव के बारे में आज ये मेरे से ज्यादा सच बोल गया, मैं जब सच बोला और मैं कुछ बातें रोक गया तो मैंने कह दिया मैं सत्य बोल रहा हूँ, वहाँ ही कुछ मामलों में सत्य बोला है, बाकी इसका पता कुछ नहीं कहा कोई। मैं इसलिए बताऊँ कि आपने आपने जो सवाल पूछा मुद्दा विकास का अथवा हिंदू मुसलमान वाले तड़के का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की 2 साल की सरकार राज्य की और 5 साल की सरकार केंद्र सरकार की है, और पिछले 1 घंटे से लोग बैठे हुए, इन्होंने विकास की कोई डेवलपमेंट की खेल स्टेडियम बनाने की, पीने के पानी की, शौचालय की कोई बात नहीं की। अभी हमने बात कर दी, हाँ इन्होंने अभी ये कह रहे हैं 30 करोड़ की योजना है, अगर मैं इनसे पूछ लूँ कौन कौन सी योजना, इन्हें पता भी नहीं होगा। इन्हें केवल 280 शब्दों का एक मैसेज, दो नहीं नहीं दो, हाँ वापस ले लो, ठीक है जी। इकबालपुर और इकबालपुर झबरेटा मार्ग का पहले चरण में काम होना है, सुने भाई साहब मैं और क्या कह रहा हूँ, और मुख्यमंत्री की बात करी, प्रधानमंत्री की बात नहीं करी गुरुजी, मैंने सुन तो लीजिए भाई साहब आप, ठीक है जी। भाई साहब उसे छोटे करेंगे और सौंदर्यकरण की बात हुई, वट वृक्षी जो सौंदर्यकरण होना है ग्राम सुनहरे में, उसकी सौंदर्यकरण की बात हुई है, क्यों आपने नहीं करा था? हमारी सरकार ने करा था, हमारी सरकार ने करा था, प्रकाश पंत जी उस टाइम पर्यटन मंत्री थे। ये रुड़की से झबरेटा के बीच में पनियाला को निकल के, अरे भाई साहब क्या बात करें, हम भी वहीं को जाते हैं। देखिए देखिए समाजवादी पार्टी के व्यक्ति भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, सही बात है। अब सुनिए, नहीं नहीं अब ऐसा है अभी इन्होंने 30 करोड़ की योजनाओं की बात आई तो इन्होंने 2 सड़कों के काम बताए, नंबर 1 झबरेटा इकबालपुर मार्ग,
मैं कल ही उस रास्ते से आया हूँ और वो रास्ता लगभग लगभग ठीक है, उसमें कहीं कोई गड्ढा नहीं है। अब इन्होंने कहा कि नहीं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्योंकि वहाँ का विधायक निकम्मा है और उस क्षेत्र का सांसद भी निकम्मा है, इसलिए वहाँ गड्ढे हो सकते हैं कहीं कहीं पर। लेकिन जो हमारी सरकार छोड़ गई थी वो सड़क बढ़िया थी, वो आज तक भी बनी हुई है, नंबर एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि बीजेपी के लोग जब विकास की बात करेंगे आप नगर निगम की, तो ये बात करेंगे इकबालपुर रोड की, जब बात करेंगे रुड़की में पीने के पानी की तो ये बात करेंगे आयुष्मान योजना की, जब ये बात करेंगे हम इनसे कि यहाँ पर क्या किया कि मोदी जी अमेरिका भी गए थे, तो ये क्या करते हैं, जिस एजेंडे पे हम बात करेंगे बीजेपी के लोग कभी भी उस पर बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक एजेंडे पे बात करूंगा। मैंने इनके सवाल का जवाब दिया। दूसरा एजेंडा रुड़की नगर निगम का है। रुड़की नगर निगम में अखिलेश जी मैं कसम खा के कहता हूँ, आप इस बात के गवाह रहेंगे, जिस दिन भी रुड़की नगर निगम का चुनाव होगा और मतदान के आखिरी दिन शाम के 5 बजे तक बीजेपी के लोग दोहरे एजेंडे पे बात करेंगे, मंच पर खड़े होकर विकास के नारे लगाएंगे और कार में खड़े होकर हिंदू मुस्लिम एजेंडा फूंकने का काम करेंगे, यही इनका एजेंडा है, यही इनका काम है। रुड़की विकास नगर निगम से विकास सबसे पहली, क्या, विकास में क्या? अच्छी सड़कें, बिजली, शुद्ध पानी, CPU की दोगली नीति का विरोध, जो नौजवान छात्रों को जिस तरीके दुखी कर रखा है, गली से बाहर निकला बच्चा उसका चालान काट रहे हैं, सबसे बड़ी बात सरकार के कार्यकर्ता जो सरकार चला रहे हैं नेता, वो दुखी है, वो दुखी है। इससे बड़ी मैं आपको बात देता हूँ, CPU की इतनी अंधमारी चल रही है, सबसे अच्छी दुकान चला रखी है सरकार में उन्होंने अपनी। कांग्रेस ना हमेशा से मुस्लिमों को डराई, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों को डराया है कि हिंदू, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। कांग्रेस बीजेपी हम छोड़ते हैं, मैं सीधा कह रहा हूँ क्या लड़ना चाहिए आपके हिसाब से, क्या विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा। जैसे मूलतः हमारी तरफ जो समस्या है वो सबसे बड़ी नाले की समस्या है, अगर उसकी सफाई हो जाए तो मेरे ख्याल से पानी भराव कम होगा, और पानी भराव कम होगा तो सड़कें कम टूटेंगी, तो मूलतः मुद्दा यही होना चाहिए विकास का ही, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शहर की सड़कें से लेके और शहर के नाले तक, कोई जरूरत से ज़्यादा नाले तो दुकानदारों ने बंद कर दिए, ठीक है, नाले रहे नहीं सड़कों पे, तो पानी जल भराव बहुत ज़्यादा रहता है। शहर की सड़कें आप किसी भी रोड पे जाके देखो, एक विधायक जी की रोड छोड़ के अन्य किसी भी रोड पे आप जाओ, या तो टूटी भी मिलेंगी और अगर उसे अभी बनाया भी होगा तो आपको वहाँ कंक्रीट मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले चाहते हैं विधायक जी से कि जैसे आपने अपनी जादूगर रोड को अच्छे से तैयार किया, और बात हिंदू मुस्लिम की आती है और या विधायक जी की आती है, कल जब तक विधायक जी कांग्रेस में थे तो वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते थे, आज वो बीजेपी में आ गए तो RSS की टोपी लगा के कहते हैं कि मैं हिंदूवादी हूँ और दीनदयाल की मूर्ति स्थापित करते हैं और शहर में भरम फैलाते हैं। भाई साहब को मैं कहना चाहूँगा कि RSS कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करता, और दूसरा आशीष जी की बातों से ऐसा लगता है कि ये भी अपने पिछले मेयर के 5 साल के कार्यकाल से दुखी थे, ठीक है जी, अपने ही मेयर के और अपनी ही सरकार का, अपने ही मेयर का समर्थन नहीं करा, ठीक है जी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा हमारा जो अगला भी अभी जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा और सड़कों के बदहाली की स्थिति पे लड़ा जाएगा, कि जो मेयर ने आज तक नालों की सफाई नहीं करवाई ना, जो कांग्रेस के मेयर ने नालों की सफाई नहीं करवाई वो हम करा के दिखाएंगे अगर हम आए तो। हम विकास के नाम पर राजनीति करेंगे, हमारी पार्टी का भी यही कहना है, सबका साथ सबका विकास, उसी एजेंडे के साथ हम चुनाव में उतरेंगे और इसी विकास को ही हम अपना मुख्य धारा में लाएंगे। विकास में क्या? विकास में हमारे यहाँ पर नालों की समस्या है, स्ट्रीट लाइटों की समस्या है, इन सब चीज़ों को दूर कर रहे हैं हम, तो अभी भी कर रहे हैं, आप देखिए क्षेत्र में आज सुबह भी कर आए, चुनाव नजदीक करेंगे, पूरे चुनाव के बाद भी करेंगे, चुनाव से पहले भी करेंगे, अभी आम नागरिक है अब भी कर रहे हैं, आप देखिए क्षेत्र में जाकर, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर देखिए आप जाकर एक बार। मैं अपने प्रिय साथी से पूछना चाहता हूँ, विकास 2014 में पैदा होने वाले थे, हो गए क्या? 19 आगे हो गए भाई साहब, विकास, भाई साहब विकास विकास हो रहा है, जब आप विकास की उम्मीद भी कर रहे हैं आगे, अगर विकास नहीं हो रहा होता ना तो आज आप विकास की बात भी ना करते। निश्चित रूप से जो आगामी चुनाव है इसमें मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है, सब लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, मूलभूत सुविधाएं इस नगर निगम से जुड़ी हुई जो भी शहर को देने का विषय होता है, जिसमें प्रमुख रूप से शहर के नालों में क्या पानी की व्यवस्था सुचारू है, कहीं जल भराव ना हो, स्ट्रीट लाइट संबंधी समस्याएं, सड़क संबंधी समस्याएं और साफ़ सफाई संबंधी समस्याएं, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट भी नगर निगम का एक हिस्सा है, और हमारे शहर के जो मार्ग हैं उनको हम चौड़ीकरण कर सकते हैं क्या, फुटपाथ बना सकते हैं क्या, डिवाइडर बना सकते हैं क्या, ये हमारे नगर निगम क्षेत्र के मुख्य मुद्दे होते हैं। मैं समझता हूँ आगामी चुनाव जो अगले 2-3 महीने में प्रस्तावित है, 11 फरवरी के बाद कोर्ट के निर्देश पर जल्द ही चुनाव होंगे, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा इन विषयों को बहुत अच्छे से उठाएगा और रुड़की नगर निगम का अभूतपूर्व विकास होगा। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे मेयर नहीं है, जिसका खामियाजा भारतीय यहाँ पे नगर को भुगतना पड़ा है, मैं समझता हूँ प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है, चहुमुखी विकास इस नगर का होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अखिलेश सर, मैं आपको बताना चाहूँगा
कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहीं नहीं चल रही है, और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती ही नहीं है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य केवल ये रहेगा विकास का मुद्दा, कि इसका मतलब ये भाई साहब जैसे बोल रहे हैं कि विकास पैदा हो चुका है क्या 2014 से, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि विकास तो 2014 से ही होना शुरू हो गया था पूरे भारतवर्ष में, और जिसकी गूंज आपके भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में गूंज रही है, ये आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार गूंज रही है, वो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पहले जो हमारे इससे पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो केवल एक हम कहें तो रोबोट की तरह से कार्य कर रहे थे, उनका कोई अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता था, इस बात को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है, अब स्वीकार किया है, परंतु उस समय तो नहीं कर सके। तो मैं बता दूं हमारा मुद्दा है केवल विकास का रहेगा, स्वच्छ, हमारा स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने पूरे भारत में चलाया हुआ है, और आप देख भी सकते हैं कि कितनी स्वच्छता देश में आ चुकी है। रुड़की में क्या करेंगे हम लोग, किस विषय पे काम करेंगे? रुड़की में हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वो जल भराव का, जो जल भराव होता है पूरे शहर में, सबसे मेन हमारा जो मुद्दा रहेगा वही रहेगा। उसके बाद स्वच्छता, पेयजल, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं सबको दूर करने का कार्य किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य आएगी, ये हम आपको बता दें, हमारा मेयर होगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। रुड़की नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कभी बोर्ड नहीं रहा, और यहाँ पर अब तक के कांग्रेस के ही पहले अध्यक्ष और अब मेयर पिछले 5 साल कांग्रेस के ही मेयर रहे हैं। यहाँ रुड़की की जितनी समस्याएं हैं वो सारी उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ हुई हैं। जितनी पहले समस्याएं कम थी वो सारी समस्याएं बढ़ के उन्हीं के समय से यहाँ पर हुई हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के मित्रों से, पिछले 5 साल में कोई एक काम ऐसा बता दें घोटाले के अलावा जो शहर में कोई विकास हुआ हो जनता के नाम पर, कोई शहर में सफाई का काम हुआ हो, कोई नालियाँ बनी हो, कोई पानी की निकासी का काम हुआ हो, कोई यहाँ पे जो क्या नाम ये अतिक्रमण का काम वो हुआ हो, शहर में जाम लगता है उसके लिए कोई व्यवस्था की हो, ट्रैफिक प्लान किया हो, कोई यहाँ से ठेली रेडी वालों के लिए इनके लिए कोई अलग बाजार की व्यवस्था की हो जहाँ पे इन्हें इकट्ठा किया जाए, ये बीजेपी ने कराया था, कोई यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की हो नगर निगम ने, जो यहाँ किसी बीजेपी के समय में ये सारे नहर के किनारे में पार्किंग की व्यवस्था हुई थी, इनका मेंटेनेंस तक इन्होंने नहीं किया। कोई स्टेडियम की बात करी हो, बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम की बात कही हो, आप नदी पे जाके देखिए पार्क, वो पहले इतना सुंदर पार्क था अब जंगल बना हुआ है, उसका कोई उन्होंने वो नहीं किया, बच्चों के घूमने की कोई व्यवस्था नहीं है, नहर के दोनों किनारों पर सौंदर्यीकरण किया जा सकता था वो नहीं हुआ। हमारे अगर बीजेपी का बोर्ड गठित होता है, बीजेपी का मेयर बनता है, तो वो इन सब जो कार्य हैं विकास के उन्हें करके फिर जनता के सामने 5 साल बाद आएगा। आज ये जनता के सामने 5 साल में आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। क्या इन्हें मौका नहीं मिला? तो अगर इन्हें मौका मिला तो इन्होंने अब तक ये काम क्यों नहीं किए? इन्हें भी मौके मिले हैं, इन्होंने भी नहीं किए, इन्हें भी मौके मिले, इन्होंने भी ये काम नहीं किए। रुड़की की जनता, मेरे शहर की जनता बड़ी स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, वो सब समझ रही है इनकी चालों को, वो अपने आप समय आने पे इन्हें दोनों पार्टियों को अच्छा जवाब देगी। रुड़की की जनता इतनी स्मार्ट हो चुकी है, वो बीजेपी कांग्रेस नहीं देखेगी इस बार, वो देखेगी आदमी कि कौन क्या कर सकता है उनके लिए। अब की बार इलेक्शन दूसरी तरह से होगा, आप देखते रहना इस चीज़ को। हमारा आधे घंटे का एपिसोड चला है, इसे बीजेपी के लोगों ने जो जो आरोप लगाए हैं, मेरा एक आपसे निवेदन भी है कि KYC के माध्यम से इनसे ये जरूर पूछा जाए कि इसी मामले पे अगर ये कहते हैं वो पार्क की दुर्दशा हुई है तो इस मामले पे इन्होंने क्या किया है। हर मामले पर अगर इनसे पूछेंगे तो मैं आपको कहता हूँ कि बीजेपी का एजेंडा दोगला एजेंडा है, ना तो इनके नेताओं को कोई जानकारी होती, इन्हें सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, ये उसे ही आकर बता देते हैं, लेकिन सच्चाई जब फैक्ट पर जाएंगे, अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार बीजेपी के लोग, नालों पर अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार बीजेपी के लोग, पार्कों की दुर्दशा के जिम्मेदार यही बीजेपी के लोग, विकास के एजेंडे पर बीजेपी के लोगों के पास कोई बातचीत नहीं है, ये बिल्कुल उस पर कोई ना तो इनको जानकारी है ना ही इनको पता है कि मुद्दे सॉल्व कैसे होंगे, केवल हवा हवाई बातें। ऐसे मुद्दे हमेशा लेकर के आते रहेंगे, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा आपके अपना वार्ड की बात हो, आपके अपने शहर की बात हो, या कोई भी ऐसी समस्या जो आपके शहर में हो, आप चाहें तो वो समस्या आप नीचे इनबॉक्स में कर सकते हैं, टाइप कर देंगे, ताकि हम अगली बार उस विषय से संबंधित चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि आपका विकास होना चाहिए। विकास का मतलब मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, यानी कि आप आगे बढ़ने चाहिए, आपकी जो बेसिक जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए।
तभी हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे, और लगातार बने रहने के लिए, हमारे साथ संपर्क में आने के लिए, अगर आप हमारे इस पेज को देख रहे हैं फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कर लेंगे, यदि हमारे इस यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।